दमोह जिले के वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी दमोह के निवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामना। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दमोह वासियों के गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को, दमोह वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को और दमोह वासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जनता से अपील करता हूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में दमोह नगर को नंबर वन बनाना है, उसमें अपना सक्रिय भागीदारी दें। देश के 73वें गणतंत्र में मैं नगर वासियों का स्वागत करता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी अपने संविधान का पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन जो है राष्ट्र के प्रति है वो कर सकेंगे। जय हिंद। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों के लिए 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व पर नीलम संगीत साधना केंद्र दमोह में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी देशभक्तिपूर्ण संगीतमय गीतों के साथ छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पंडित श्याम सुंदर शुक्ला, कवि मनीष रेखवार, जितेंद्र जैन, संजय तिवारी, संगीत शिक्षक बलिराम पटेल के साथ निधि तिवारी, हर्षिता बाथरे, लक्ष्य यादव, भूमि भावना, दीपांशु पटेरिया, प्रभात जैन की विशेष प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित श्याम सुंदर शुक्ला, अध्यक्ष जितेंद्र जैन, विद्यालय की संचालिका कवयित्री डॉक्टर प्रेमलता नीलम ने कार्यक्रम का संचालन किया। हम सभी को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। नीलम संगीत साधना केंद्र पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है देशभक्ति पूर्ण गीतों का यह कार्यक्रम शहीदों के नाम, देश के नाम अमृत महोत्सव के माध्यम से संपूर्ण देश में गीत संगीत कविता का समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हमारे नीलम संगीत साधना केंद्र पर भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सर्वप्रथम माँ की वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ गुंजन जैन को।